टॉपिक जो है आपका, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। दीज आर अप्रोक्सीमेटली टू पैराग्राफ, वन पैराग्राफ फॉर इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक को और एलॉय फॉर्मेशन, आई थिंक एलॉय भी आपका, उन दोनों को पढ़ लीजिएगा एंड ट्राई टू सी वेर देर इज डिफरेंस इन द इंटरस्टीशियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन में तो एक, आई होप यू वुड नो, एलॉय मिक्सचर ऑफ व्हाट मेटल्स ओनली। ठीक है, लेकिन इंटरस्टीशियल कंपाउंड में आपके पास इन मेटल्स देर आर सम स्मॉल एटम्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, दीज टाइप ऑफ स्मॉल एटम्स, दीज आर ट्रैप्ड इनसाइड मेटल्स, उसको इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू रीड दोज इंटरस्टीशियल एंड एलॉय फॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताइए, यू मस्ट हैव कार्बन, कार्बन स्टील आपने सुना है? कार्बन स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बन स्टील सब आता है ना? यस तो व्हाई इज दैट, व्हाट्स दैट कार्बन स्टील? तो स्टील के अंदर थोड़ा कार्बन, दैट इज इंटरस्टीशियल कंपाउंड। ठीक है, उसी के बारे में आपके पास थोड़ा सा पैराग्राफ, उसको बस रीड कर लीजिएगा, आ जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज K2Cr2O7 एंड KMnO4। K2Cr2O7, KMnO4 में सबसे पहले K2Cr2O7। हियर आई हैव रिटन अ फ्यू नोट्स रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज ये तो आपको ना बार बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा। देर आर थ्री स्टेप्स। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है ना, व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट यू रिवाइज दिस पार्ट, ये पार्ट आप याद करने की कोशिश कीजिए। ब्रोमाइड से सोडियम ब्रोमेट, यू विल गो फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ ब्रोमाइड ओर टू सोडियम Is ब्रोमेट। या टू मी, this DNF ना? Okay, यस sorry. लास्ट क्लास में सर में आप नहीं थे ना हर्षा, यू वेंट इन बिटवीन ना? Yes, sir, my laptop got dead. हाँ, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डन, तो फिर ऋषभ ने कहा कि डीएनएफ ब्लॉक उसका आ रहा है, तो डीएनएफ ब्लॉक का जो क्वेश्चन है वो हम फिर, आई थिंक आई विल डू दैट इन एवरी बैच, ओके सर, वन लेक्चर और टू लेक्चर मैक्सिमम। चलिए देखिए, फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अच्छा आज ना नोट्स मत लिखिएगा, ठीक है? आई विल सेंड यू दीज नोट्स, ये आपको बाद में लिखना है, ओके ऋषिता एंड हर्षा बोथ ऑफ यू, आई थिंक अभी तो दोनों को ही क्लास करनी है, ऋषिता एंड यस हर्षा सर, नेक्स्ट। ठीक है ना, फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जो यहाँ पे आपके पास तीन स्टेप्स हैं, यू हैव टू री राइट स्टेप्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, उसके बाद ही आपको याद हो पाएगा, देर इज नो अदर ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है आपको। राइट, जिस तरह से भी आपको याद हो जाए उससे तो याद करिएगा, बट स्टेप्स इफ यू रिमेंबर दिस स्टेप्स इनिशियली देन इट विल बी इजियर टू गो फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएजेंट आपको अभी याद नहीं करना पड़ेगा, तो क्रोमाइड टू सोडियम क्रोमेट, तो यू विल गो फ्रॉम Fe2CrO4 टू Na2CrO4। ठीक है, Na2CrO4। नाउ आफ्टर दैट, वंस यू गो Na2CrO4, देन यू आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद Fe, रादर देयर इज, वेट अ सेकंड, दीज आर द, इसको बस हमने बैलेंस किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट, इट इज जस्ट बाई एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4। H2SO4 डालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमाइड, है ना, सोडियम सोडियम डाइक्रोमाइड, Na2CrO7। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट बाई एडिंग, तीन स्टेप्स हैं, यू जस्ट हैव टू री राइट दिस अगेन एंड अगेन। यू आर गोइंग फ्रॉम Fe Cr2O4, दैट इज द क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर से आप आएंगे सोडियम क्रोमेट, एंड देन फ्रॉम सोडियम क्रोमेट टू डाइक्रोमेट, फ्रॉम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द पीएच डिपेंडेंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नजर देखिए, द क्रोमेट आयन इज द क्रोमेट आयन, ठीक है, इट इज येलो इन कलर, डाइक्रोमेट आयन इट इज ऑरेंज इन कलर। ठीक है, एज यू कैन सी कैसे जा रहे हैं बताइए, तो ठीक है, दिस इज व्हाट क्रोमेट, और ये आपके पास क्या है, डाइक्रोमेट। सो व्हेन यू ऐड एसिड इट बिकम्स डाइक्रोमेट, दैट मींस इफ यू हैव Cr04 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम की बात करेंगे, देन इन एसिडिक मीडियम यू विल ऑलवेज फाइंड सोडियम डाइक्रोमेट, बट इन बेसिक यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड क्रोमेट आयन Cr04। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा,
डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट्स टू क्रोमेट विच हैज येलो कलर. तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ दी सेल निकल. टाइट्रेशन में फिर यूज करते हैं ना कि नहीं करते है यस सर। ना. अब इसके एक सवाल है यहाँ पे, सवाल ऐसे बहुत कम आते हैं ठीक है, लेकिन ये सवाल देख लीजिए क्वाइट इंपॉर्टेंट. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव FeCr2O4 is fused with Na2CrCO3 in the presence of it gives a yellow solution. कौन सा solution? Yellow solution. So for sure, if you are getting a yellow solution, तो कौन सा होगा? Chromate होगा या dichromate होगा? Chromate होगा. Does it make sense? Yes or no? Yellow क्या हो सर रहेगा? Chromate है ना? Chromate is yellow. You have FeCr2O4. In this, you are adding sodium carbonate to get सोडियम क्रोमेट सी आर ओ फोर कंपाउंड ए. सो दिस विल बी कंपाउंड ए. ऑन एसिडिफिकेशन इसमें जब आपने क्या डाला, इसमें जब आपने एसिड डाला गिव द कंपाउंड बी. ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड एसिड इट विल बिकम एसिडिक मीडियम. इन एसिडिक यू आर गोइंग टू हैव व्हाट Na2Cr2O7. दिस इज व्हाट कंपाउंड नंबर बी डाइक्रोमेट. On reaction with KCl forms an orange colored compound C. इसके बाद एक और किया आपने KCl K2Cr2O7. आप आगे है an acidified of compound C, this is C, oxidizes sodium sulfide to be identify A, B, C and D. ये जो आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ तक तो एमओपी था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन था. नाउ दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपके पास आगे आएगा. बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अंदाजा लगा के बताइए, अगर इफ यू हैव सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, तो इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे देन इट विल बिकम व्हाट? कुछ बता जरा. SO2 ऑक्सीडेशन होगा ना, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ऑक्सीडाइजेस. SO4 SO4 समथिंग एल्स ऑल्सो ना, SO4 2 माइनस SO4 माइनस ठीक है. सल्फेट आयन आपको तो पक्का मिलेगा. आई होप नहीं, सल्फेट आयन मिलेगा ना ठीक है. बट जरूरी नहीं कि सोडियम सल्फेट ही मिल जाए, बट यू विल फॉर श्योर गेट SO3 सल्फाइड से वो सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग. चलिए अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है ना, अब इसको आप समझ सकते हैं, बट स्टिल डोंट राइट ठीक है. Now, एक तो पीएच डिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, एमओपी. अब मतलब इम्पोर्टेंट क्या, सारी चीज इम्पोर्टेंट है. सबसे कभी ना कभी कोई ना किसी टॉपिक से सवाल आ जाएगा किसी एक टॉपिक से ठीक है. ऐसे कोई टॉपिक इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आसानी से देखा जाए अगर देन स्ट्रक्चर इज क्वाइट ईजी ठीक है. सो इफ यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर तो वो छूटना नहीं चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ Cr04 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2. नाउ वेन एवर यू हैव, देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने के तरीके बता देते हैं. वेन एवर यू हैव ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, दैट नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी ऑन ऑक्सीजन इटसेल्फ ठीक है. नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? ऑक्सीजन में होगा. तो इन दिस केस यू आर गोइंग टू हैव सी डबल बॉन्ड सी आर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ O negative and O negative. But because of you can see that resonance can happen, है ना? यहाँ पे resonance हो सकता है. That is why we write the structure like this. Cr, all the four bonds are same, and there is an overall two negative charge. This is what, this is chromate ion.
व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ क्रोमेट आयन, व्हाट इज द कलर ऑफ येलो येलो, वेरी गुड, याद कर लीजिए अभी, येलो। डाइक्रोमेट इन दिस यू आर गोइंग टू हैव, इसमें मतलब आई कैन टेल यू लाइक व्हाट टाइप ऑफ ओ लिंकेज विल बी देयर फॉर यू। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के फिर वो किया जाता है, टी आर ओ, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, टी आर ऑक्सीजन सी आर, और फिर यहाँ पे इसमें तीन ऑक्सीजन एंड इसमें तीन ऑक्सीजन, एंड दिस ओवरऑल हैज टू नेगेटिव चार्ज। बाय द वे ऑल द क्रोमियम एटम्स इवन हियर इट इज टेट्राहेड्रल, and both of these chromium ions are also tetrahedral. This is dichromate. कलर क्या होता है? ऑरेंज। ठीक है, तो सवाल क्या क्या आ सकता है आपको बता दें। सवाल द क्वेश्चन कैन बी हाउ मेनी सी आर ओ सी आर बॉन्ड इज डाइक्रोमेट, देयर इज वन सी आर ओ सी आर बॉन्ड, हाउ मेनी सी आर सिंगल बॉन्ड ओ, सो दिस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा बाय द वे आज फॉर एग्जाम्पल सी डबल सी आर डबल बॉन्ड ओ, सी आर ओ सी आर एंड बोथ ऑफ दीज विल बी हैविंग वन ऑक्सीजन दैट इज डबल बॉन्ड, बाकी दो यहाँ पे आपके पास नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ सी आर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव, देर इज टू सी आर ओ नेगेटिव बॉन्ड, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, जितने नेगेटिव चार्ज उतना ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, द रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज गोइंग टू मेक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, के सर टू सी या फिर मी, आई एम नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, नो थर्ड पीरियड से ऊपर, थर्ड पीरियड का है ना, थर्ड का फोर्थ पीरियड का ये तो है ओके सर ना, एंड Na2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बट इसमें क्या है ना Na2Cr2O7 इज हाईली सॉल्युबल एंड देयर फॉर यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, सोडियम डाइक्रोमेट को ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा K2Cr2O7 इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा ये बात बताइए, हैव यू डन टाइट्रेशन किया आपने, डू यस सर यू नो व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, सोडियम डाइक्रोमेट को ना प्राइमरी स्टैंडर्ड इस वजह से नहीं इस्तेमाल किया जाता, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अगर मॉइस्चर आएगा देन मॉइस्चर गेट्स क्रैम्प वेरी इजली इन Na2Cr2O7 एंड दैट इट्स कंसेंट्रेशन मेड वेरी आफ्टर अ टाइम पीरियड, बट K2Cr ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज वाई K2Cr2O7 का अगर आपने 2 मोलर कंसेंट्रेशन का बना दिया, इफ यू हैव K2Cr2O7 ऑफ 2 मोलर कंसेंट्रेशन देन इट विल रिमेन 2 मोलर कंसेंट्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज वाई वी यूज इट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि अगर आपको चेक करना है व्हाट इज द मोलैरिटी देन K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेशन करके आप चेक कर सकते हैं, ओके फाइन ये इतने मोलर का है, डज इट मेक सेंस।
यस सर, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? इट इज मतलब रेफरेंस पॉइंट होता है, इससे आप चेक कर, जिस भी आप कंपाउंड से चेक, मतलब जिस भी कंपाउंड से आप चेक करते हैं उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब इसके बाद ये किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाउ डज इट ऑक्सीडाइज? ठीक है, अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा तो पक्का ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। तो ये जो रिडक्शन शो करता है ना, ऑलवेज ये ध्यान रख लीजिएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव ऑलवेज ईट 6 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड टू 2 Cr3 पॉजिटिव। यहाँ पे दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन बोथ दी क्रोमियम एटम इज +6, तो +6 से +3, तो फॉर 1 क्रोमियम देर इज अ नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, फॉर 2 क्रोमियम देर इज अ नीड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा यस नो? चल मी, यस सर, अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको तरीका बस बता देते हैं, कुछ जो ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शन है ना उनको याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमाइंड, यू जस्ट नीड टू फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन टू आयोडीन, आपको बस ये याद रखना है कि अगर आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, I2 बनेगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस टू Cr3 पॉजिटिव। ये +6 से +3 जा रहा है ना, ये दो चीज बस आप याद रखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव से 2 Cr3 पॉजिटिव। जब बाय द वे इफ बैलेंस इट हियर, तो यहाँ पे हमको 2 आयोडीन नेगेटिव भी करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस टिल हियर? यस नो प्लीज टेल मी। ठीक यस है, अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे तो आपके पास +6 इलेक्ट्रॉन है ही, सही है? डज इट मेक सेंस? यस यहाँ पे यस देखिए, 2 आयोडीन से I2 बना रहे हैं आप, तो फ्रॉम 1 आयोडीन यू आर गोइंग फ्रॉम -1 टू 0, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लीव 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहे हैं? हाँ, ना बताए, एक यस आयोडीन से सर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन से 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यू हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। इफ यू वांट टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। डज इट मेक सेंस? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे, हाँ या ना बताए, है ना? अब हो गया ना आसान। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद विल हैव 6 आयोडीन नेगेटिव +Cr2O7 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली गिव यू I2 +2 Cr3 पॉजिटिव। डज इट मेक सेंस टिल हियर? यस नो प्लीज टेल मी। यस सर, अब इसके बाद आपको क्या करना है हम बताते हैं। अब इसके बाद आपको करना है चार्ज बैलेंस। क्या बैलेंस बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बैलेंस करना है बताओ? चार्ज चार्ज, व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज हियर? छोड़ो एक एक करके, आयोडीन पे 1 नेगेटिव है, देयर इज 6 आयोडीन नेगेटिव, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना, व्हाट इज द टोटल चार्ज? -6 -6। इन Cr2O7 2 नेगेटिव व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज? -2 हर्षिता आपको नहीं बोलना है कुछ? I2 में ओवरऑल चार्ज 0 0, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 6+ +6, तो आई हैव टू बैलेंस। यहाँ पे आपके पास -8 चार्ज है, हियर यू हैव सर, -8 एंड हियर यू हैव +6। या हर्षा टेल मी, 3i2 right, व्हाट? 3i2 right, नहीं सुनाई दे रहा हूँ। 3 I2। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, और तो कुछ नहीं है ना? हाँ, 3 I2। ठीक है, अब इसके बाद यू, अब यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, एक बार बताइए, Cr2O7 2 नेगेटिव आपको एसिडिक मीडियम में मिलेगा या बेसिक मीडियम में? एसिडिक एसिडिक मीडियम तो आपके पास होगा H+, दिस विल बी एसिडिक मीडियम। दिशिता बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताएं? हाँ ठीक है, नाउ यू हैव एच पॉजिटिव, यू आर इन -8, तो -8 में ही आप एच पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो +6 तक जाएगा, हाँ या ना? तो सर, -8 में कितना ऐड करें तो +6 हो जाए? माइनस ओके एट ट्वेल्व में कितना ऐड कर, हाउ मच?
व्हाट शुड आई ऐड? हाँ हर्षा, 14। यस यू हैव टू ऐड प्लस 14, राइट? प्लस 14 करेंगे, बस सर वाई वी आर नॉट एडिंग हियर, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, आई नीड, आई हैव एच पॉजिटिव. हम एच पॉजिटिव कहीं भी डाल सकते हैं, इन द रिएक्टर और द प्रोडक्ट कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? वट एवर यू आर हैविंग, आपके पास अगर एच पॉजिटिव है और इफ यू आर इन द बेसिक मीडियम, देन यू हैव अ लॉट ऑफ ओ एच नेगेटिव, कैन ऐड एच पॉजिटिव इन द एसिड, मतलब आप कहीं भी डाल दो, रिएक्शन डाल दो, प्रोडक्ट में डाल दो, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इन दिस होल रिएक्शन, 6I नेगेटिव प्लस सी आर टू ओ 7 2 नेगेटिव, आई विल ऐड 14H पॉजिटिव अब ये क्या देगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू 3I2 प्लस 2 CR3 पॉजिटिव, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास पानी ऐड करने की बारी है, हियर वी हैव 14H पॉजिटिव, सो आई कैन ऐड 7 वाटर, डज इट मेक सेंस? हाँ ना, यस सर। ठीक है? तो अब व्हाट यू नीड टू डू, देखिए एट द एंड अगर आपके पास रिएक्शन लिखना है तो आपको तो रिएक्शन ही वाला लिखना है इन द मतलब, और ये 1 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, बट आई फील दैट रटने से ज्यादा अच्छा है आप इसको समझ समझ के 2 3 बार कीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये सुनो. यस ठीक है, अब एक आप लोग करके थोड़ा देखिए, Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, ठीक है? सो खुद से कीजिए, इफ यू गेट स्टक देन आई विल लेट यू, मतलब हम हेल्प कर देंगे. दो रिएक्शन तो लिख लेंगे ना, ये तो लिख लीजिएगा Fe2 से Fe3 पॉजिटिव और दूसरा Cr2O7 2 नेगेटिव वाला. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. वी शुड बैलेंस दिस विद विच रिएक्शन? Cr2O7 2 नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीडेशन, ये ऑल ऑफ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में द डाइक्रोमेट आयन इज ऑक्सीडाइजिंग Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, मेक सेंस? ओके सर। Can you scroll up? हाँ
लेट मी नो इफ यू गेट स्टक. दिस वुड रिमाइंड यू ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स. आई मीन रिडॉक्स रिएक्शन में जिस तरह से बैलेंस करते थे ना, वही सेम फंडा है. ठीक है हर्षा, वेरी गुड. ऋषिता सेंड मी व्हाट एवर यू हैव डन. Sir, I didn't complete it yet. सेंड मी व्हाट एवर यू हैव डन ना. Sir, I didn't do it. I didn't get how to do it. जो तो पहले ना बोलिएगा, चीजें तो कुछ तो बदलिए. पहला फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ ई टू पॉजिटिव से एफ ई थ्री पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ पे, प्लस वन इलेक्ट्रॉन. हाँ या ना बोलो, ये तो कर सकते थे रिश्ता. यस सर, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 Cr3 पॉजिटिव. हाँ या ना, आगे यस सर, बताओ आप क्या करें बताओ. वी आर गो टू रिएक्शंस. नहीं यार, इलेक्ट्रॉन बैलेंस यार, दिशा माइक ऑन करके रखो यार प्लीज. थैंक यू वेरी मच. लुक एट द प्रीवियस वन ना, उसके बाद देख के बताओ. We multiply to get the electron balance. हाँ तो क्या मल्टीप्लाई, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा है ये तो मल्टीप्लाई करने वाला था. Yes, sir. We multiply 6 to if we multiply 3 to Cr2O7 to minus. फिर से इलेक्ट्रॉन सेम करना है रिशिता. आई एम एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम यू यार रिशिता, ऐसे नहीं कीजिए प्लीज. इलेक्ट्रॉन सेम करना है दोनों में, कैसे सेम होगा. We take the electrons first, so do we take the charge first, right, sir? इलेक्ट्रॉन सेम करना रिशिता भाई, आर यू कॉम्प्लिकेटिंग इट. कीप योर माइक ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल रिशिता, प्लीज डोंट टर्न इट ऑफ. सर. क्या हो गया. इलेक्ट्रॉन सेम बैलेंस करना आपको नर्स्ट इक्वेशन, उससे पहले भी सब कुछ तो यार. इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैलेंस नहीं करने पाएंगे आप. हाँ फ्लिप योर नोट, कुछ तो करो कम से कम. तुक्का मत मारिए.
There's only one electron bit for Fe and Fe3 plus, right, sir? यहाँ क्या किया, कैसे बैलेंस किया है? यू मल्टीप्लाई हाँ फिर टू यहाँ, हाँ आयोडीन. ठीक है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके ही हो, सोचो तो जरा, इतना आसान से चीज है यार। अब रिवाइज नहीं कर रहे हैं दक्षिता, अब जैसे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो उसको मतलब रीड भी तो आपको करते रहना चाहिए, लेकिन दे नॉट डूइंग दैट आई थिंक। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। फिर माइक ऑफ, माइक ऑफ कर रहे हैं। जो तीन चीज, कुछ चीजों के बारे में हम बोलते हैं वो गुस्सा आ जाता है, वही दो तीन चीज आप दो तीन बार कर चुके हैं। नहीं, सही जा रहे कि नहीं जा रहे हम? यस सर. सिक्स 12 होगा यहाँ पे, 10 होगा यहाँ, सो 10 to 24 आई हैव टू ऐड 14, तो 14 एच प्लस डाल सकते हैं हम, 6 Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, सो कॉपी तो खैर कर लीजिएगा, बट यार ऋषभ आपके पास क्या बोले हम आपको, पढ़ाई वढ़ाई आप नहीं कर, टेस्ट वेस्ट भी आप नहीं देते हैं यहाँ पे लर्निंग में, पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं इस साल। टेस्ट वगैरह क्यों नहीं दे रहे आप ऋषभ? सर, बिकॉज़ आई कम बैक फ्रॉम स्कूल वेरी लेट नहीं तो एंड आई ऑलरेडी एक हैव. दिन आप 1 घंटा कम सोने से, एक दिन तो आप सर, मतलब किसी दिन जी रिश्ता, इट वॉन्ट बी जस्ट लाइक एन आवर, इट विल बी मोर देन एन आवर. लाइक हाउ मच मोर देन एन आवर? आई मीन आई यूजुअली टेक 1.5 आवर एंड द क्वेश्चंस आर अ लॉट, सो आई डोंट डू ऑल ऑफ देम because I don't have time. तो कुछ तो तरीका होगा ना रिश्ता, लाइक व्हाट डू यू डू, लाइक व्हाट डू यू डू आफ्टर कमिंग स्कूल? Just attend the classes, that's it. No, I study, but I don't have enough time to study soon. तो यू हैव टू गेट टेस्टेड ना, सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहने से तो समझ में नहीं आएगा ना कि आपको कितना आ रहा है, आपको कितना नहीं आ रहा है। Yes, मतलब but ऐसा तो बोलिए। I also have like a lot of weekly tests in school, so I have to study for that and for this simultaneously. So. उसमें कैसे मार्क्स आ रहे फिर वीकली टेस्ट में? So it's not coming well because of that. वीकली टेस्ट के बारे में हमको क्यों नहीं पता है? हाँ सर, बिकॉज व्हाई डू आई नॉट नो वीकली टेस्ट? आई डोंट नो सर, आई थॉट यू न्यू. नहीं मतलब इन द सेंस कि वीकली टेस्ट जैसे इस वीक कौन सा टेस्ट हमको नहीं पता, आपका वीकली टेस्ट लास्ट टाइम जो हुआ था उसका सिलेबस, उसमें क्या क्वेश्चन भी पढ़ा है क्या नहीं आया, आपको कितने मार्क्स आए वो तो कुछ नहीं पता है, लेकिन स्कूल ओह नो वाला जो सर, आपका मैक्सिमम 5 to 6 marks एंड इट आउट आई डोंट ऑफ नो इट्स मैक्सिमम 5 to 6 marks.
और लाइक 10 मार्क्स? ए ऋषिता, ये 10 मार्क्स के सवाल की टेस्ट मत बोलो यार प्लीज, ऐसे तो फिर मतलब हम लोग के क्लास के बाद हर दिन टेस्ट होता है, जो 5 सवाल होते हैं एमसीक्यूज वो टेस्ट भी ना होता है। यस सर, नहीं, आई आई होप यू अंडरस्टैंड कि 10 मार्क्स के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना नहीं पड़ता है, राइट? यू आर सेइंग 5, मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स आपके आते हैं या टेस्ट का मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स होता है? टेस्ट का 5 6 मार्क्स होता है एंड समटाइम्स 10 मार्क्स भी होता है। कम ऑन यार रिशिता, ये 5 6 मार्क्स की मतलब, या आई होप मतलब आप तो इतना ऑनेस्ट हैं, यू नो दैट 5 6 मार्क्स के सवाल के लिए प्रिपरेशन मतलब इट वुड रिक्वायर क्या ही प्रिपरेशन यार, बस में आते जाते प्रिपेयर कर लो यार वो 5 6 मार्क्स के लिए तो। ओके फाइन, नाउ हाउ मेनी टेस्ट इन अ डे और हाउ मेनी वीक? एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, वेल हाउ क्लोज द करेक्ट एग्जाम। करेक्ट, आई करेक्ट, आई अंडरस्टैंड इट, बट स्टिल आई एम आस्किंग एन एवरेज। कभी कभी नहीं भी होता है, नहीं सर डेली ही हो जाता है, नहीं सर 3 दिन तो होता ही होता है, कुछ तो बताइए। थ्री टाइम्स अ वीक। 3 टाइम्स a week फॉर केमिस्ट्री और इन जनरल 3 टेस्ट ऑफ एनी इन सब्जेक्ट? जनरल नहीं यार ऋषिता, इसके वजह से आपका मतलब प्रिपरेशन पर हैम्पर नहीं होना चाहिए 5 6 मार्क्स के वजह से। यू कम फ्रॉम स्कूल एट व्हाट टाइम? 4 o'clock. 4 o'clock? कम बाई वॉट, लाइक बस सर, एट वॉट टाइम द क्लास एंड योर स्कूल? इलेवन 3 o'clock. योर स्कूल एंड्स एट 3 o'clock? यस सर, एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? वेन डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स एट 8:15. तो यू लीव होम एट अराउंड 7? या यस सर, द बस कम्स अराउंड 7. 8 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं है कुछ? लाइक वो लाइक व्हाट योर ब्रेक इज लाइक ऑफ 1 आवर और व्हाट? नो सर, वन वी हैव 2 ब्रेक्स, वन इज 20 मिनट्स, द अदर इज 15 मिनट्स. 2 ब्रेक्स? यस सर. बेकार स्कूल है आपका एकदम, फालतू स्कूल होगा। 2 ब्रेक भाई, 2 ब्रेक नहीं देखे उधर, 1 घंटा कम कर दो यार, 10 मिनट का 10 20 ब्रेक काफी होता है, एक दो दो बार ब्रेक देके। और ओ गॉड, कैन यू स्टडी वाइल लाइक व्हेन यू आर? When I'm in the bus, I usually sleep, but I can come home and study because I'll feel sleepy if I don't sleep on the bus. ठीक है, हाँ सो जाते, दैट्स फाइन, सो जाते हैं फिर आप। तो 4 बजे आप घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद व्हाट डू यू, आपके लेक्चर्स तो बताइए। I study until like 7:30. Sometimes I just go out for like 30 minutes. Then after from 7:30 to 9 tuition, and then 9 to 11 I'll study, so that I'll have at least like 7 hours of sleep, so that I wake up at 6 again. तो ये जो 4 से 7:30 है, मतलब जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द डेज यू स्टार्ट स्टडिंग एट 7:30, करेक्ट है? हाँ, यस सर. तो ये 1.5 घंटा जो है ना आपका 4 से लेकर 7:30 तक का, इसको यूटिलाइज करना होगा ना, यस सर. 7:30 से 9 तक आप ट्यूशन ले रहे होते हैं, देन 9 से 11 तो आप पढ़ते नहीं होंगे, बिकॉज 9 से 11 के बीच में आपको डिनर भी करना होता होगा, राइट? नो सर, आई ईट एज सून एज माय ट्यूशन गेट्स ओवर सो दैट आई कैन हैव टाइम टू स्टडी. अच्छा, नहीं तो उसके बारे में सोचिए जरा, आपको उधर जो आप कह रहे हैं कि आप सो भी जाते हैं, इफ यू आर स्लीपिंग इन द बस देन होपफुली यू आर अ बिट रेस्टेड, मतलब आपको फिर आके सोने की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, आके सोते हैं फिर आप? नो सर, आई स्टडी फ्रॉम लाइक 4:30 to 7:30. फिर क्यों नहीं टाइम मिल रहा है? फिर तो टाइम मिलेगा रिश्ता यार, ये सब फिर मत कीजिए आप नो बेकार सर, में। लाइक दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लाइक होमवर्क. माई टीचर्स लाइक दे गिव लाइक चैप्टर्स फुल ऑफ होमवर्क फॉर लाइक वन डे. सो मतलब मतलब मैथ में एक एक्सरसाइज एंड देन बायोलॉजी में वन चैप्टर.
बायोलॉजी के तो चैप्टर्स में बहुत कम होते हैं सवाल, नहीं? नहीं सर, वी हाँ डोंट राइट क्वेश्चंस. दे गिव शी गिव्स अस नोट्स लाइक 15 पेजेस, देन वी हैव टू लाइक समराइज दैट एंड राइट इन आवर ओन वर्ड्स. सब खैर ठीक है यार, मतलब तो आपको भी इतना देखिए, इसको तो घर में करना है आपको, या डू दिस इन एट योर होम, खुद से कीजिएगा। सर दर्द करने लगा आज, What will be the reaction for the H2S2S? बताइए। ये सल्फाइड है ना, एस एच टू, यहाँ पे सल्फाइड, आपके पास टू नेगेटिव है ना, गॉट इट? हाँ ना, यू आस्क आस्क मी आस्क मी सर हैपन टू हाइड्रोजन, पूछो। So what happened to hydrogen? वही होगा जो इस ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ठीक है ना? ऑक्सीजन का तो ओके सर, डाइटोमेट है ना, तो वैसे ही वो हो जाएगा बाद में। सेम बस जो हमने बताया है उसको फॉलो करो, और जरूरत नहीं, ठीक है? जिसके बारे में नहीं बताया उसके बारे में मतलब सोचना नहीं है ना। इफ आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट लाइक व्हाट विल हैपन टू ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन टू हाइड्रोजन, तो उसके बारे में सोचना नहीं, वो अपने आप हो जाएगा व्हाइल यू आर डूइंग इट, है ना? रिएक्शन करते करते हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम दी पायरोसाइट, पायरोलूसाइट ओर, और दूसरा कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और तीसरा उसमें लैबोरेटरी मेथड भी पढ़ा दूंगा, लैबोरेटरी मेथड एक है, ठीक है? उसके बाद देन वी आर गोइंग टू लुक एट प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही कलर वगैरह हम बता देंगे, कैसे वगैरह हो जाएगा उसको, ठीक है? तो वन फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर, पायरोलुसाइट ओर इज MnO2, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MnO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्स प्लस O2, इट गिव्स 2 KMnO4 प्लस वाटर। एक चीज बस याद रखिएगा, दिस इज ग्रीन इन कलर, दिस इज देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट है, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, ये डायरेक्टली पोटेशियम मैग्नेट है ना, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव इज गोइंग टू गिव यू 2 MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस वाटर, ठीक है? सो फर्स्ट, इन द फर्स्ट केस वी आर रिएक्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में, या फिर इवन इफ यू ऐड वाटर ना, वाटर के मीडियम में रखिएगा, देन इट इज गोइंग टू गेट इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहाँ पर रिएक्शन होगा, दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Mn इज इन व्हाट स्टेट, 4 और -2 +8, ये कितना हो जाएगा, इन +6 स्टेट राइट नाउ, वी कैलकुलेट हियर इट इज इन +7th स्टेट, एंड यहाँ पे ये +4th स्टेट में है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम किसका, लेकिन पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, या फिर इस केस में सिर्फ मैग्नेट का, मैग्नेट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम और इन इवन इन न्यूट्रल मीडियम। सेकेंड आपके पास कमर्शियल मीडियम, कमर्शियल मेथड, सेकेंड इज कमर्शियल, सबसे पहले आप MnO2 लिखिएगा, देन दिस MnO2 इट इज फ्यूज्ड विथ KOH, रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कंडीशंस जो है ना उसको थोड़ा सा अलग किया गया है। फ्यूज करने का मतलब बहुत ही हाई हीट में मिक्स करना एंड ऑक्सीडाइज, विथ एयर
या के एन ओ सी, यू गेट एम एन ओ फोर टू नेगेटिव, एम एन ओ फोर टू नेगेटिव, दिस इज वॉट, दिस इज दी मैग्नेट आयन। अब इसका क्या करना है, जैसे यहाँ पे यू आर गोइंग फ्रॉम +6 to +7 ना, वी नीड दिस पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट के लिए आपको क्या करना पड़ा, फ्रॉम 6 से +7, दैट मीन्स व्हाट इज मीन ऑक्सीडेशन, एंड वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। और तो बन जाएगा एम एन ओ फोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइसिस करके बेसिकली। तो दिस इज अगेन ये ग्रीन कलर का है, यू नो एम एन ओ फोर नेगेटिव इज इन पर्पल कलर, है ना, कलर वगैरह आएगा। थर्ड मेथड इज लैबोरेटरी मेथड, यहाँ पे यू हैव एम एन टू पॉजिटिव, एम एन टू पॉजिटिव का कोई भी सॉर्ट ले लीजिए आप, एम एन टू पॉजिटिव एम एन सी एल टू ले लीजिए, ठीक है, एम एन ओ ले लीजिए, ऑल ऑफ दिस, टेक एनी सॉल्ट एंड यू ऑक्सीडाइज इट विथ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2O8 2 नेगेटिव। अगर सर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा देन यू हैव H2H2O8 टू नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ये 8 H2O इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग टू गेट 2 N O4 नेगेटिव प्लस बैलेंस इट 10, यहाँ पे 5 आएगा आई थिंक, यहाँ पे 2 आएगा आई थिंक, 10 SO4 2 नेगेटिव प्लस 16 H+, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन आपको याद करने हैं, इसमें कमर्शियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज, पोटाशियम मैग्नेट, नॉट पर मैग्नेट, मैग्नेट, यानी कि K2MnO4 इज ग्रीन इन, एंड पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4 इज पर्पल इन कलर। के एम एन ओ फोर का ये होता है क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल इज वेरी मच लाइक बहुत डार्क पर्पल होता है, बहुत डार्क, बट इन वाटर ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गेट लाइटर, लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर वेरी डार्क। नाउ पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज के एम एन ओ फोर कैन डिसोसिएट एंड डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू अगेन वही K2MnO+MnO2 +O2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन KMnO4 डी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +7, क्या मतलब इसका मीनिंग, मीनिंग Mn हैज आर्गन 4s2 3d5 कॉन्फिग्रेशन, Mn में अगर 7 पॉजिटिव आ जाएगा इट विल बी ओनली आर्गन, दैट इज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन MnO4 नेगेटिव, बट फिर भी यहाँ पे क्या है, देर इज व्हाट, देर इज कलर, डीप पर्पल कलर या डार्क पर्पल कलर है किसका, ऑफ एम एन ओ फोर नेगेटिव, तो वी हैव कलर इफ देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आपने पढ़ा है लाइक डीडी, पहले अगर इससे पहले पढ़ा होगा तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से देर इज कलर, कलर अपेयर्स, ठीक, किसी भी कंपाउंड में कलर अगर होता है तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। ना यहाँ पे लिखिएगा द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बार सैंपल पेपर में था, डीप पर्पल कलर ऑफ KMnO4
इज नॉट ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, इट्स नॉट ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, रादर इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर कर लो, चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैगनीज। तो ऑक्सीजन इट एक्ट लाइक अ लिगेंड इन दिस केस, तो यहाँ क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार सैंपल पेपर में पूछा हुआ है सवाल। सो व्हाई देर इज अ कलर इन KMnO4 इवन दो इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑक्सीजन टू मैंगनीज। Why I am waiting here? I forgot that the paper not writing. दूसरा है अब now the structure, structure देखिए। तो दोनों में आपके पास MnO4 है, but there is only a difference of charge. तो यहाँ पे आपके पास when you have MnO4 2 negative, तो अब आपके पास देर विल बी टू ऑक्सीजन आते हैं डबल बॉन्ड्स और बाकी दो में नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज मैंगनीज। एंड व्हेन यू हैव वन नेगेटिव तो Mn वो नेगेटिव कर लो, बाकी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, दिस इज पर मैंगनीज। Yeah, just let me know. I have to move on. Please come here. Just give me a second. सॉरी, नेक्स्ट देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ जो MnO4 नेगेटिव है इट इज डिफरेंट इन एसिडिक मीडियम एंड इट इज डिफरेंट इन द एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम। तो दो तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहली चीज है ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम।
ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम में दिस वन रिएक्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर कि MnO4 नेगेटिव अगर होगा तो ये 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस रिएक्शन विल अकर फॉर कन्वर्टिंग I नेगेटिव टू I2, आयोडाइड से आयोडीन, फॉर Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, सी ऑक्सलेट या ऑक्सलिक एसिड, दैट मीन्स लिख लेते इसको ऑक्सलेट और ऑक्सैलिक एसिड, से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या मतलब ऑक्सलेट मतलब क्या हो गया, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ऑक्सलिक एसिड इज COOH एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड है ना, दो कार्बन और दो कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑक्सलिक एसिड। सिमिलरली द सेम रिएक्शन विल ऑक्सीडाइज सल्फाइड सल्फर सी डी, सेम इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव, एंड लास्ट लिखिएगा सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें से बताइए इसमें से कौन सा हम करके आपको बता दें एक बार, बाकी सर में वही फॉर्मूला वही है। आपको बस बोलेगा व्हाट इज द राइट द रिएक्शन व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दैट, लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। टेल मी वन, आई विल डू, आई विल शो वन फॉर यू गाइस, थर्ड वन सर, ऑक्सीलेट। यस सर, तो ऑक्सीलेट यहां पे लेते हैं ऑक्सलेट टू ऑक्स टू व्हाट CO2। अगर अच्छा एक बात बता रहे हैं आपको, अगर आपको ऑक्सलिक एसिड देगा ना तब भी आप ऑक्सलेट लिखिएगा रिएक्शन में। ठीक है, ओके निश्चित है हर्षा। ओके सर। तो पहला रिएक्शन इसमें जो MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन होगा C2O4 2 नेगेटिव विल गिव यू CO2। क्या बोलिए जल्दी, माइक ऑन रखिएगा प्लीज थोड़ा सा, इट विल हेल्प मी। इतना बोलिएगा समझ में आया, जोर यस यस से थोड़ा बोलिए आवाज मेरे को। यस सर, या यस सर, थैंक यू, मैं तो मेरे पास फुल है। ठीक एम आई ऑडिबल, हेलो यस सर, आवाज आ रही है, यस सर, आवाज आ रही है, हेलो, यस सर, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है यार। हेलो, अब आवाज आ रही है, क्या यस सर, आप लोग की आ रही है। सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 1 Mn, यहाँ पे 1 Mn, दैट्स फाइन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन कर लिए। हाँ या ना बताओ। ठीक यस है, यस अब देखिए यहाँ पे हो किस तरह है, तो C2O4 2 नेगेटिव से C2O4 नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे CO2
इन दिस केस यू कैन सी बोथ दी कार्बन एटम्स आर प्लस थ्री हाँ या ना बताओ। देखिए इस डबल बॉन्ड की वजह से प्लस वन, इसकी वजह से प्लस वन, इसकी वजह से प्लस वन, मेक सेंस हाँ या ना करेक्ट। यस प्लस सर थ्री से प्लस फोर बोथ दी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स आर गॉन। यहाँ पे पांच, यहाँ पे दो, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करो, इसको पांच से मल्टीप्लाई करो, हाँ या ना, डज इट मेक सेंस। यस यस सर टू एन ओ फोर टू नेगेटिव प्लस फाइव सी टू ओ फोर टू नेगेटिव गिव टू एम एन टू पॉजिटिव प्लस 10 सी ओ टू, दैट्स इट हाँ या ना। यस यस सर मेक सेंस। यस सर अब क्या करेंगे आगे? यस सर बैलेंस द चार्ज द चार्ज हाँ करेक्ट। एक या वी आर गोइंग टू चार्जेस, बताइए हाउ मच चार्ज हियर। -2 14 हेलो हाँ -4 14 -4, व्हाट अबाउट हियर? -10 नो दूसरे तो आपको नहीं आ रहा क्या ये सर आई आई गॉट दैट -10? व्हाट अबाउट हियर +4 प्लस फोर और सीओ 4 टू में? सीओ टू में 0 जीरो, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा -3। आई हैव टू गो फ्रॉम -14 टू +4, ठीक है। एंड व्हाट मीडियम आर वी इन? वी आर इन एसिडिक मीडियम राइट। एच प्लस कहीं पे भी ऐड कर दीजिए आप, बताइए ऐड कीजिएगा एच प्लस रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? एच जी बताइए। हाँ प्लस 18 +18 यहाँ पे कीजिएगा तब आएगा +4 ना। सो इट विल बी यस सर टू एम एन ओ फोर टू नेगेटिव प्लस फाइव सी टू ओ फोर टू नेगेटिव प्लस 18 एच पॉजिटिव विल गिव यू टू एम एन टू पॉजिटिव प्लस 10 सी ओ टू। अब कीजिए ऑक्सीजन। सर व्हाट शुड वी डू नाउ व्हाट यार रिश्ता, माइक ऑन यस करके बोला करो, यू टर्न द स्पीकर। सर बैलेंस व्हाट शुड वी डू नाउ है कि नहीं देखो, फिर पानी H2O वाटर हाँ डालना पड़ेगा ना। चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। नाइन स्टोर पक्का ऑप्शन देख लो। नो सर देर आर ओनली 16 ऑक्सीजन ऑन द राइट सर 18 ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट्स एंड 20 ऑन द प्रोडक्ट्स चलिए देखते हैं हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर हियर। आठ और यहाँ
20, करेक्ट? हाँ या ना? यस एंड हियर वी हैव 20, अब कैसे करना पड़ेगा? ये 3x+4 तो आ जाएगा, एट एच टू हो रहा है ना, देन दी ऑक्सीजन विल बी बैलेंस, राइट? दी हाइड्रोजन दी हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, कुछ और किया जा सकता है क्या? देयर इज समथिंग एल्स? -4 तो ठीक है, +4 भी ठीक है, तो थिंक ठीक है। क्या मिस कर रहे हैं हम? ओके ओहो, ये देखिए ये मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे, MnO4 नेगेटिव था, आई हैव टेकन MnO4 2 नेगेटिव, गॉट दिस? हाँ है ना, दिखा आप यस लोगों को? यस ठीक है, आई थिंक आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए -2, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -12, हैव टू ऐड 16, इस वजह से फिर 8H2 हो रहा था ना, 16 का लिमिट हो जाएगा। यस ठीक है, तो प्लस इट विल बी 8H2O। ठीक है, तो नो मैटर व्हाट द इक्वेशन, मतलब क्या है वो प्रॉपर वे में करेंगे तो ऑलवेज गेट द आंसर, है ना? ठीक है रशिता, हर्षा, नाउ योर व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू, अब इसको बार बार कीजिए दिस होल प्रोसेस, एंड दैट विल हेल्प यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर कंप्लीट इक्वेशन, है ना? नहीं तो फिर कम से कम आपको ये याद रहेगा C2O4 से CO2 है, यू वुड एटलीस्ट नो हाउ टू डू इट। ओके, गॉट इट रशिता एंड हर्षा? यस सर ठीक है, तो अब ना थोड़ा सा बस बाकी है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बाकी। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, दूसरा आपको हम ये बता देते हैं, बेसिक मीडियम वाला तो नहीं बता आपको, बेसिक या न्यूट्रल वाला? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक इन बेसिक या न्यूट्रल मीडियम, है ठीक है, दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर मैग्नीज इफ इट इज इन व्हाट, बेसिक मीडियम। अब जब बेसिक मीडियम में होगा देन यू विल बी हैविंग ओएच नेगेटिव, आप ओएच नेगेटिव राइट में डालिए क्या लेफ्ट में डालिए फॉर बैलेंसिंग द चार्ज, इन एसिडिक मीडियम इफ यू बैलेंस द चार्ज देन यू हैव टू ऐड एच पॉजिटिव आयंस,
इन बेसिक मीडियम यू आर गोइंग टू ऐड ओएच नेगेटिव आयन. डज इट मेक सेंस? आया ना? यस ठीक है. अब यहाँ पे जो यस रिएक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा. इफ यू हैव आई नेगेटिव, तो आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो यू विल गेट IO3, आयोडेट. ठीक है. अब ये सर ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा होगा ना, पानी है, MnO4 नेगेटिव है, बाकी सब कुछ है, बट आयोडीन से आयोडेट. ठीक है ना, आयोडीन. दिस इज सर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आयोडाइड, सॉरी नॉट आयोडीन, आयोडाइड टू आयोडेट. सेकेंड इज हाइड्रो सल्फेट यानी कि S2O3 टू नेगेटिव से SO4 टू नेगेटिव. ठीक है, दिस हाइड्रो सल्फेट टू सल्फेट. दूसरा है ये खुद Mn2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है इन MnO2. तो कॉपी कर लीजिए. एक नोट लिख लीजिएगा इन केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो. ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. दिस लास्ट पॉइंट KMnO4 इज नॉट यूज्ड फॉर फाइट्रेशंस. एक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग